दोस्तों, स्वागत आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। मैं आया हूं आज जयपुर में विनायक एनक्लेव। ये देख रहे हो, ये प्लॉटिंग के लिए है। ऑलरेडी यहां पर बहुत सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं और ये उसका एंट्री है सोसाइटी का। गेट का साइज ही देख लो जरा कैसा है। और सबसे अच्छी बात, ये साइट नक्शा अप्रूव्ड है, इसका पूरा प्रॉपर नक्शा अप्रूव्ड है। और अगर प्राइसिंग की बात करोगे वो भी बहुत अफोर्डेबल है। उसके लिए जो कंसर्न पर्सन है, साइट इंचार्ज, वो मेरे साथ आज इसमें रहेंगे। मैं इनकी साइट भी पूरी देखूंगा, समझूंगा भी कि क्या डिस्टेंस है, कितना क्या है, लोकेशन क्या है, आसपास क्या है, क्योंकि इसके लेक व्यू वगैरह भी हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं साइट के अंदर आ गया हूँ। एक्चुअली रोड जो है 40 फुट आगे है। सर, ये जो टंकी है ये गवर्नमेंट के उससे है? गवर्नमेंट के उससे है, 1 लाख लीटर। ओके, अच्छा। मैं दोस्तों एक चीज़ आपको खास बता दूँ, इम्पोर्टेंट। आपको ये लग रहा होगा यार ये क्या झाड़ी है, हकीकत में ये 40-40 फुट आगे रोड है। एक्चुअली बारिशों की वजह से दोबारा हुई है। साइड पे फुटपाथ वगैरह सब बने हुए हैं। मैं आपको ना पूरा घुमाता हूँ साइड को, प्रॉपर रोड्स हैं। अब मैं गाड़ी के अंदर से ही आपको सारा घुमाऊंगा। अभी रुको सर, वैसे इस पे ना बहुत घास आ गया अभी रोड्स पे। रोड पर घास इसलिए आ गई कि काफी दिनों से हमने इस पे काम शुरू नहीं किया। अच्छा, दोबारा मतलब लोगों ने लेके प्लॉट छोड़े हुए हैं यहाँ पर सारे। और ये रोड के साइज कितने हैं? ये जिस रोड पे आप चल रहे हो, हाँ, ये रोड है 30 फुट की। और दोस्तों ये सारा गेटेड के अंदर है। जो मैंने बाहर से शूट किया ना गेट, ये उसके अंदर का एरिया है। आप साइड में देखो कितने बढ़िया हरियाली, नीम के पेड़ लगे हुए हैं। हाँ, ये पेड़ रोड के दोनों तरफ एक्चुअल में लगे हुए हैं। और ये घास की वजह से ही आपको रोड नजर नहीं आ रही है। इसे ये साफ करवाएंगे। मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाकी एरिया। ये देखो दोस्तों, ये यहाँ का चौराहा है। ये खंबे लगे हुए हैं बिजली के। और ये देखो वायर वगैरह सब गई हुई है। ये मेन चौराहा भी है इनका। चलो आगे बढ़ो सर। टोटल 100 एकड़ की साइट है। टोटल 100 एकड़ की साइट है दोस्तों। इसके पीछे 250 एकड़ में सामने अरावली वाले एरिया है। सामने अरावली और इधर वाली, हम इधर मुड़ रहे हैं रोड पे। एक्चुअली मैं ना गेट से थोड़ा अंदर आके शूट ये शुरू किया मैंने, इसलिए आपको लग रहा होगा सीधा कहाँ पहुँच गया मैं। लगभग आप मोटी मोटी बात मान लो 400 मीटर अंदर आ गया था गेट से। ये साइट बहुत बड़ी है। ये देख रहे हो, ये फुटपाथ बने हुए हैं। ये देखो ग्रीन बेल्ट जिसे प्रॉपर कहते हैं, वो बनाई हुई है इन्होंने। ये 1000 गज के प्लॉट्स हैं जिनकी बाउंड्री हुई हुई है। यहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिसिटी के खंबे, वायरिंग पूरी लगी हुई है। ये देख लो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है इसलिए ऐसा लग रहा है। वो सामने मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा है 500 गज के सामने वाला एरिया। उस तरफ सामने वाला हिस्सा दोस्तों स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है इनका, आगे की तरफ। अब हम गेट की तरफ जा रहे हैं। वो रहा सामने गेट, फार्म हाउस बना रखे हैं लोगों ने। देखो दोस्तों, ये सामने फार्म हाउस है और ये है एंट्री सामने से, जो इधर आए थे हम। अब तुम वापस जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो ये प्रॉपर वे में बना हुआ है एक्चुअली सारा एरिया। अब हम क्लब हाउस में जा रहे हैं। ये देखो, ये इसका क्लब हाउस है। क्लब हाउस का गार्डन ये मैं इधर उतर गया क्लब हाउस में। मोटी मोटी बात करूं, 6.5 का रेट है, ठीक है। आपको नक्शा पास मिलेगा प्रॉपर, ऑलरेडी पब्लिक ले रखा है यहाँ पर। तो किसी को भी इस साइट के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कॉल कर सकता है। स्विमिंग पूल वगैरह सब वहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। थैंक यू।